इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, लेकिन ये चेक करें ये ऑटो कनेक्ट होता है साथ ही डिसकनेक्ट हो जाता है। ये लाइट चेक करें, ये डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, ये चेक करें ये डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, दोबारा से डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, यही इशू आ रहा है इसको। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दोस्तों अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से आज फिर एक नए इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है, लिनोवो X250 मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि चार्जर इसका प्लग इन किया हुआ है, लेकिन ये चेक करें ये ऑटो कनेक्ट होता है साथ ही डिसकनेक्ट हो जाता है। ये लाइट चेक करें, ये डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, ये चेक करें ये डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, दोबारा से डिसकनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, यही इशू आ रहा है इसको। और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें रिपेयरिंग के लिए आया है, तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चार्जर वगैरह इसका हमने वेरीफाई कर लिया है। अभी ये चेक करिए मशीन के ऊपर लगाया हुआ है, ये डिसकनेक्ट फिर कनेक्ट, ये इसी प्रॉब्लम में ये इशू हमें रिपेयरिंग के लिए आया है। तो चलें इसको शटिंग डाउन करता हूँ मैं, तो चेक करते हैं कि प्रॉब्लम किस एरिए में आ रही है। ओपन करते हैं, डीसी पिन चेक करेंगे, उसके आगे जो सप्लाई वाला एरिया वो चेक करेंगे, चार्जिंग वाला एरिया चेक करेंगे, ये चीज़ें जो है ना हमें वेरीफाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये सबसे पहले हमें इसकी जो बैटरी है ये बैटरी उतारनी पड़ेगी, बैटरी उतार के तो फिर इसकी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसको। बिस्मिल्लाह, अच्छी बैटरी उतर गई है इसकी, अभी भी कंडीशन सेम ही है। ये चेक करिए ये कनेक्ट हुआ है, विंडो रन हो रही है इसकी, ये साथ ही डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक है, कंडीशन अभी भी सेम है। चलिए इसको ओपन ही करते हैं, बैक से इसके जितनी भी स्क्रीन है ये स्क्रीन ओपन करके तो चेक करते हैं इसको। ले ये बैक कवर इसका ओपन हो गया, ये आ गया हमारे सामने, डीसी पिन आई इसकी, ठीक है, ये डीसी पिन आ रही है, बिस्मिल्लाह, ये डीसी पिन है, तो ये लगा के डीसी पिन हम तो इसकी पहले वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज इसके बन रहे हैं, पिन का इशू तो नहीं है, ये चेक करते हैं पहले। ले ये चेक करें ये डीसी पिन के 19 वोल्ट जो है ना ये स्टेबल है, ये चेक कर रहे हैं ये स्टेबल है, ये डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, प्रॉब्लम मदरबोर्ड में है कहीं पे। तो अब बोर्ड को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ये बैटरी है इसकी, ये बैटरी उतार लेंगे अंदर वाली भी, ठीक है। अब ये चार्जिंग केबल जो है डीसी पिन की, ये केबल लगाते हैं, बिस्मिल्लाह। अब ये चार्जर प्लग इन करता हूँ मैं, तो अभी इसको चेक करते हैं ज़रा विंडोज़ रन करके। ये भी फ़िलहाल जो ना ये कनेक्ट या डिसकनेक्ट वगैरह नहीं हो रहा, इसके मुकम्मल विंडो वगैरह रन करते हैं तो फिर इसको वेरीफाई करते हैं ज़रा, क्योंकि बैटरी इसकी डुल लगी हुई है। स्केप टू कंटिन्यू, कई दफ़ा ये होता है कि अंदर वाली जो बैटरी होती है वो ख़राब हो गई होती है, जिसकी वजह से इशू आता है। विंडो रन हो रही है अभी उसकी, ये भी लोड भी सही ले रहा है मशीन के ऊपर, चेक कर रहे हैं अभी डिसकनेक्ट वगैरह नहीं हो रहा, तो ये चेक करें बैटरी के ऊपर क्रॉस आ रहा है क्योंकि बैटरी हमने उतार दी है, लेकिन अभी जो कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट वाला मामला है वो इसका क्लियर हो गया। इशू जो है ये बैटरी के अंदर है, ठीक है,
ये चेक करें, ये मेरे ख्याल से इसके सेल जो है ना ये हो गए हुए हैं, यानी कि फूल गए हुए हैं, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। अभी ये बैटरी जो है ना मैं लगाता हूँ दोबारा से इसको, बिस्मिल्लाह। अभी चेक कर लेते हैं, ये चेक करें, ये डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से कनेक्ट हो गया, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये बैटरी का ही इशू है, बैटरी के सेल जो है ना वो प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये बैटरी हम उतार देंगे, ठीक है, और ये जो वायर वाली एक्सटर्नल बैटरी है इसके ऊपर इसको लगा के तो वेरीफ़ी करते हैं। इसको लैपटॉप को ऑफ करता हूँ मैं, इसको कंप्लीट पैक करके तो वायर वाली बैटरी लगा के इसको तो इंशाल्लाह वेरीफ़ाई करते हैं, वो लगा के इशू तो नहीं करता ये। जी बिस्मिल्लाह, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ये चेक करें, ये बैटरी इसकी जो वायर वाली है ये लगाई है, लेकिन वायर वाली बैटरी जो है ना उसकी ख़राब है, तो जिसकी वजह से ये क्रॉस आ रहा है बैटरी के ऊपर, लेकिन बिल्कुल ओके हो गया है। अंदर वाली जो इंटरनल बैटरी है वो ख़राब है, जिसकी वजह से इशू आ रहा था। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। Oh,